आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हूँ मौली सिंह ठाकुर तेज सिंह डिग्री कॉलेज आगरा से, और मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, वो नई जगह पर जल्दी अडेप्ट नहीं हो पाते, एडजस्ट नहीं हो पाते। कई सारे स्टूडेंट्स को होम सिकनेस और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, तो वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें और कैसे उनके पेरेंट्स और टीचर्स उनकी मदद कर सकते हैं? धन्यवाद। माननीय, ये आखिरी सवाल है, कृपया इस बारे में हम सबको कुछ कहें। भारत जैसे देश में ये डिप्रेशन वाली बात जो है वो बहुत परेशान करने वाली बात है। भारत की जो मूलभूत समाज रचना है उसमें इस प्रेशर को रिलीज करने की व्यवस्था है, सहज व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य से समाज व्यवस्था में जो परिवर्तन आए, परिवर्तन तो आते रहते हैं, वो कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिसने स्थिति पैदा की। पहले हमारा जॉइंट फैमिली हुआ करता था, और जॉइंट फैमिली होने के कारण बच्चा दो बातें पिताजी को नहीं कह सकता था, वो दादी माँ के आगे कह देता था, मन हल्का हो जाता था। दो बातें दादी माँ से कहता था, लेकिन लगता था कि जरा माँ से पूछ लूँ तो वहां जाकर के एक प्रकार से उसको एक अवसर मिलता था अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आज स्थिति ऐसी है कि एक्सप्रेशन के लिए कम, सप्रेशन के लिए ज्यादा, इस तरफ हम बढ़ गए हैं। और ये जो कुकर फट जाता है उसका मूल कारण यही है कि इस प्रकार की भाप भर जाती है, उसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, इसे बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। माँ बाप ने बच्चों के साथ उसकी रुचि के अनुसार खुलेपन से बातें करनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए वो हॉस्टल भी चला गया तो उसको विश्वास है कि इस परिस्थिति को मेरे माँ बाप को मैं बताऊंगा तो समझेंगे। लेकिन अगर आप कट ऑफ है और कितने मार्क्स लाए, क्यों देर से आए, किसके साथ गए थे, फोन किस पे बात करे, इसी में लगे रहे तो एक ये कट ऑफ स्टेज बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। दूसरा, ये माँ बाप का जिम्मा है कि ये डिप्रेशन अचानक नहीं आता है, ये बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है। कुछ एक होता है जो एक्साइटमेंट में कुछ कर दें वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर धीरे 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 वो लुढ़कता जाता है। जागरूक माँ बाप देखते कह रहे क्या बात है भाई, ये पहले तो बड़ा आग्रह करते थे, खाता नहीं था, अचानक बैठता है बस खाता ही रहता है, बात नहीं करता है, ये अचानक उसका वेट बढ़ रहा है, साइकोलॉजिकली क्या हुआ है? तुरंत माँ बाप देखते भाई कुछ होगा, तब ये स्ट्रेस में है, कुछ ना कुछ ज्यादा खा रहा है, कभी सोता नहीं था दोपहर को, आज ऑफिस से आ गया अचानक सो गया, कमरे में चला गया तो मुंह ढंग करके बैठ गया, क्या कर रहा है? अगर उसको वो जागृत अवस्था से लेते हैं और उसको उसी समय हैंडल करते हैं तो बाद में अगर बाहर जाता है तो प्रॉब्लम। दूसरा, कहीं पर भी जाते हैं माँ बाप ने देखना चाहिए कि वहां किसी न किसी परिवार से उसको हम जोड़ सकते हैं क्या, बच्चे को जान पहचान वाले किसी से, उसके लिए थोड़ा खर्च करना पड़े तो खर्च करना चाहिए, और उनसे कहना चाहिए जरा भाई सप्ताह में एक दिन जब छुट्टी हो तो बच्चे को जरा घर बुला लेना, आप भी कभी हो आना, और बच्चे में अगर थोड़ा बहुत होगा तो वो उसको एक धीरे धीरे एक नया परिवार मिल जाएगा, खुल जाएगा। दूसरा, काउंसिलिंग से हमने संकोच नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो माँ बाप को लगता है कि कहीं लीक हो जाएगा तो किसी को पता चलेगा कि बेटे का काउंसलिंग चल रहा है, हम उससे इज्जत भी गंवाते हैं, बच्चा भी गंवाते हैं। कोई संकोच नहीं करना चाहिए, थोड़े से भी सिम्टम्स दिखते हैं हमने उसको काउंसलिंग करना चाहिए। बच्चे के साथ सही तरीके से बात करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, वो धीरे धीरे उसके भीतर की जो भी बीमारियां हैं उसको निकाल देते हैं। लेकिन हॉस्टल में जो रहते हैं उनको मेरा एक छोटा सा अपना अनुभव के आधार पर मैं बताता हूं, ये कर सकते हैं काम।
हो सकता है कुछ घटना ने आपको परेशान कर दिया है, या कुछ आपने सुना है, आप बेचैन हैं, मन का आक्रोश, मन की वेदना कैसे प्रकट करना आपको रास्ता नहीं सूझता है, कुछ नहीं, आप हो सके तो हॉस्टल के बाहर जाइए, किसी पेड़ पे नीचे अकेले बैठिए और एक नोटबुक ले जाइए, उस कागज पे सारी घटना का वर्णन लिख दीजिए, लिखते चले जाइए, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, खुद को क्या लगा, सारा जितना जैसे एक फिल्म दिखती है सही सारा लिखते चले जाइए, फिर उसको पढ़िए मत, वहीं पर उसको फाड़ के जेब में टुकड़े डाल दीजिए, स्वच्छ भारत ये डालना है। फिर भी मन हल्का नहीं हुआ, दोबारा लिखिए। पहले अगर आपने 8 पेज लिखा होगा, दोबारा लिखे हो तो 3-4 पेज में हो ही बात आ जाएगी। फिर भी उसको फाड़ दीजिए, टुकड़े जेब में डाल दीजिए, तीसरी बार लिखिए, आप देखोगे तीसरी बार वही बात 1-1.5 पेज में आ जाएगी। भीतर का जो है वो कागज पे टपकता जाएगा, अंदर से कम होता जाएगा, आप एब्सोल्युटली रिलैक्स फील करेंगे। आपको ये भी डर नहीं रहेगा, आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि कोई पढ़ लेगा तो किसी को बताऊंगा, किसी को, हम बात क्यों बताते नहीं है, डर लगता है यार इसको बताऊंगा वो किसी और को बताएगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। खुद ही अंदर एक जगह है, खुद ही लिखें, उसको फाड़ दें, आप देख लेना घर में भी ऐसा वातावरण बिगड़ गया हो, मम्मी नाराज हो, टिकना हो, फलाना हो, और मान लीजिए आप रखते हैं, आप अलग से बैठ करके लिख लीजिए, आपके भीतर की सारी जो मानवीय जो विकृतियां है वो कागज के सहारे से बाहर निकल जाएगी। यही अल्टीमेट उपाय नहीं है, छोटा सा उपाय है, ये छोटा सा उपाय भी कुछ पल के लिए तो आपका सहारा कर सकता है, कुछ दिन के लिए सहारा कर सकता है, खुद को खड़े होने की ताकत दे सकता है। दूसरा, कोई एक, अगर हॉस्टल में रहते हैं तो कोई सीनियर स्टूडेंट हो या टीचर हो, कोई एक हमने ढूंढ के रखना चाहिए जिस पर हम भरोसा करें, उसे कभी मन की बातें बताया करें कि देखो यार इस बार तो माँ का फोन ही नहीं आया, चीज बड़ी नहीं होगी, उसके सामने कहो तो वो कहेगा, वो आपसे शायद उम्र में छोटा होगा तो अरे चिंता मत कर यार माँ काम में होगी, हमें लगता है हमारी दवाई हो गई, हमारा उपचार हो गया, क्यों, किसी ने कह दिया यार हाँ माँ काम में होगी, मेरा मन कहाँ चल रहा था 2 घंटे से, देखो आज जन्मदिन है माँ का फोन नहीं आया, हो सकता है वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है मोदी सरकार की बातें कुछ भी हो लेकिन इंटरनेट न चलता हो। और हम गुस्सा माँ पे निकालते हो, टेक्नोलॉजी फेलियर हो सकता है, तो वो एक छोटा सा वाला है, अरे अरे चिंता मत करो, चलो चलो खा लेते हैं, चलो यार हॉस्टल में चलो खा लेते हैं, कोई बात नहीं तेरा जन्मदिन माने नहीं, अरे चलो अपन जाते हैं, मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं, चॉकलेट खा लेते हैं। एकाध दोस्त तनावपूर्ण जिंदगी को भी बहुत हल्के फुल्के से ठीक कर लेता है। मैं समझता हूँ जीवन ऐसा खुलापन हो जाए, और मुझे तो, मैं बहुत छोटी आयु से बाहर हूं तो मैंने जिंदगी को एक अलग तरीके से देखा है, अलग उतार चढ़ाव से जिंदगी मेरी गुजरी है, और इसलिए मुझे इन चीजों को व्यवहारू बातें उसने मुझे जीना सिखाया है, और मैं समझता हूं कि शायद मेरी जैसी जिंदगी अलग थी तो सबको काम नहीं आ सकती है, लेकिन छोटा सा ये प्रयास है। लेकिन डिप्रेशन को लाइट न बच्चों ने लेना चाहिए, न गार्डियन ने लेना चाहिए, न टीचर ने लेना चाहिए, ये अटमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर समझते रहते सही तरीके से उनको साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, समय बिताएंगे, स्थिति को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। और भारतीय समाज व्यवस्था ऐसी रही है कि जिसने हमें परिवार में ही एक प्रकार से हमारा डीएनए ऐसा बना हुआ है,
हम ऐसी चीजों को आसानी से झेल सकते हैं, ऐसी चीजों से जूझ सकते हैं और ऐसी चीजों से जिंदगी के रास्ते खोज सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी इसकी दिशा में आगे बढ़ेंगे।